1791 में लंदन की एक गंदी सी झुग्गी बस्ती में माइकल फैराडे का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे शब्द बताओ जो आर अक्षर से शुरू होता हो। बोलो। रैबिट। सही शब्द है रैबिट। एक बार फिर बोलो सही तरीके से। रैबिट। मेरा मजाक बना रहे हो क्या? मैंने तुम्हें आर अक्षर बोलना नहीं सिखाया है? कम से कम अपना नाम तो बोल सकते हो ना? माइकल फैराडे मैम। लो ये पैसे और एक छड़ी खरीद कर लाओ। मैं तुम्हारे गुस्ताख भाई की ढंग से धुनाई करना चाहती हूँ। कहते हैं उस दिन के बाद माइकल फैराडे कभी दोबारा स्कूल नहीं गए। फैराडे अपने रूढ़िवादी क्रिश्चियन परिवार की परंपराओं को बहुत मानते थे। इससे उन्हें हमेशा एक ताकत, सुकून और विनम्रता का एहसास होता था। 13 साल की उम्र में वो किताबें जिल्द करने वाले कारखाने में काम करने लगे। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में उन्हें पढ़ते। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनके जुनून की शुरुआत हुई। उस शो की शुरुआत यहाँ लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में हुई थी। हम्फ्री डेवी न सिर्फ उस दौर के माने हुए वैज्ञानिक थे, बल्कि उन्होंने कई केमिकल एलिमेंट्स भी खोजे थे, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम। वो एक मंझे हुए शोमैन भी थे। इलेक्ट्रिसिटी का उनका शो लोगों को बेहद पसंद आता था। रोशनी थोड़ी कम कर दीजिए। अब मैं आपको उन 2000 ताकतवर केमिकल बैटरीज की ताकत दिखाऊंगा जो हमारे पैरों के नीचे हैं, बेसमेंट में मौजूद हैं। और अब सांसें थाम कर देखिए इलेक्ट्रिसिटी की जबरदस्त ताकत किस तरह हमारे आने वाले कल को रोशन कर सकती है। मगर फैराडे तालियां नहीं बजा रहे थे। वो डेवी के भाषण का एक एक शब्द लिख रहे थे। बुक बाइंडिंग का काम उन्हें आता था, इसलिए उन्होंने उसे इस किताब की शक्ल में बाइंड कर लिया। शायद ये तोहफा देने से उस महान वैज्ञानिक के पास जाने का मौका मिल जाए। और शायद यही तोहफा एक नई दुनिया में उन्हें पहुंचाने की वजह भी बना। गुड डे सर, मैं ये पार्सल सर हम्फ्री को पहुंचाना चाहता हूं। फैराडे ने बस यूं ही तुक्का मारा था और उन्हें उम्मीद थी इसका कोई नतीजा जरूर निकलेगा, और ऐसा ही हुआ। सर, आपका एक्सपेरिमेंट तैयार है। एम्पर ने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में बेचारे डुलोंग की 1 आंख और 3 उंगलियां खराब हो चुकी हैं। जब मशहूर वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के चेहरे पर एक केमिकल एक्सपेरिमेंट से हुए धमाके से चोट आई, तो उन्हें माइकल फैराडे की याद आई, जिन्होंने बड़ी बारीकी से उनके भाषण का एक एक शब्द लिखा था और उसे बाइंड भी किया था।
तुम्हारी यादाश्त काबिले तारीफ है नौजवान, मुझे भी फिलहाल एक सेक्रेटरी की सख्त जरूरत है। सर, विज्ञान की सेवा करना तो मेरा सपना रहा है। मेरे ख्याल से तुम बुक बाइंडिंग का ही काम करते रहो, विज्ञान तुम्हारे बस का नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी जो माली हालत है उसमें तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो जरूर होना चाहिए। धंधे तो लोग सिर्फ अपनी खातिर करते हैं, वैज्ञानिक तो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं सर। मेरे ख्याल से तुम पहली बार किसी वैज्ञानिक से मिल रहे हो। जल्द ही फैराडे ने डेवी का सारा काम संभाल लिया। कुछ दिनों के लिए मिला काम पक्की नौकरी में बदल गया और रॉयल इंस्टीट्यूशन उनके लिए घर की तरह हो गया। दिन में वो लैब में डेवी की मदद करते थे, शाम होते ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच जाते जहां उनकी पत्नी सैरा उनका इंतजार कर रही होती थी। हम्फ्री डेवी और केमिस्ट विलियम वॉलस्टन एक ऐसी अजीब सी चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो आगे चलकर बहुत काम की बन गई। एक्सपेरिमेंट की तैयारी पूरी हो चुकी है। सर्किट बंद करो डेवी और ध्यान से देखो। ये सुई आखिर इस तार से दूर क्यों भाग रही है? काश मुझे पता होता, मगर लगता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये तार एक चुंबक की तरह बर्ताव कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जरूर कोई रिश्ता है। अगर ये लगातार घूमे तो कितना अच्छा हो। जरा सोचो, अगर हमने इन ताकतों को काम में लिया तो क्या से क्या हो सकता है। जब तुम्हारी सफाई खत्म हो जाए फैराडे, तो तुम भी इस पर हाथ आजमाने की कोशिश करना। डेवी भले ही अपने नौजवान असिस्टेंट का मजाक उड़ा रहे थे, मगर फैराडे ने तो कुछ और ही ठान रखा था। तब तक इलेक्ट्रिसिटी अमीरों का दिल बहलाने वाले खिलौने से ज्यादा नहीं थी। इससे कुछ सेकंड के लिए चमकदार रोशनी निकलती या थोड़ी देर के लिए कंपास की सुई घूमती थी। इसका और कोई इस्तेमाल नहीं था। सैरा डियर, अपने छोटे भाई को नीचे भेजो, मैंने कुछ नया बनाया है और मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले इसे तुम चलाओ जॉर्जी। ये लो, चल पड़ी, ये चल पड़ी। ये दुनिया की पहली मोटर थी जिसने इलेक्ट्रिक करंट को लगातार चलने वाले मैकेनिकल मोशन में बदल दिया था। बहुत मामूली दिखती है ना? मगर उस गोल घूमती सुई ने एक क्रांति ला दी। हमारी सभ्यता पर असर डालने वाला कोई भी आविष्कार या खोज इसके आगे औनी साबित हो गई। जरा सोचकर देखिए, आज जो भी बिजनेस, कारखाने, टेक्नोलॉजी और हमारे रहन सहन के तौर तरीके हैं, उन सब की शुरुआत माइकल फैराडे की लैब के उस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हुई।